एक गांव में कालू नाम का लड़का होता है। एक दिन उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाते हैं। बेटा जाओ, तुम दोनों अकेले में बात कर लो। जाओ मीना, इसे हमारा खेत दिखा लाओ। मीना और कल्लू खेतों में घूमने जाते हैं। बातों बातों में दोनों एक सुनसान रास्ते पर निकल जाते हैं। मीना जी, मैं आपको पसंद तो हूँ ना? जी, मेरे माँ बाबा को आप पसंद हैं तो मुझे भी। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की। उसकी ये सब बातें पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल सुन रही होती है। कितना सुंदर लड़का है, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए। ये सोचकर वो चुड़ैल मीना के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उसकी शादी होती है। मीना दुल्हन बनकर फेरों के लिए आती है और घूंघट में चुड़ैल होती है। पर उस चुड़ैल को घूंघट की वजह से कोई देख नहीं पाता और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात। मीना, तुम शर्माओ नहीं, अपना घूंघट तो उठाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है, मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना, सुहागरात भी वहीं मनाएंगे। घूमने तो हम कल जा ही रहे हैं, मैंने ट्रेन की टिकट भी करवा ली थी पहले ही। अच्छा राजा जी, क्या बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मजे करवाऊंगी। ओहो, अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो सो जाते हैं फिर। फिर दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात होते ही मीना उठती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। भूख लगी है, चलो बाहर जाकर देखूं, कोई शिकार मिल ही जाए, क्या पता। वो बाहर जाकर यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी कालू की बहन अंजू वहाँ सो रही होती है। चुड़ैल उसे सोता हुआ उठा लेती है और छत पर ले जाकर खा जाती है। अगली सुबह सब अंजू को ढूंढते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता। माँ, आ जाएगी अंजू, हो सकता है अपनी सहेली के घर चली गई हो। हाँ बेटा, हो सकता है, तुम लोगों को देर हो रही है, तुम लोग निकल जाओ नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है माँ जी, आप अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। अरे मीना बेटी, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? वो नया घर है ना, तो रात में नींद नहीं आई, हो सकता है इसलिए। इतना बोलकर दोनों निकल जाते हैं और ट्रेन में। मीना, हम सुबह तक पहुँचेंगे, ऐसा करो रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। हाँ ठीक है। फिर दोनों ट्रेन में सो जाते हैं। सभी के सोते ही मीना उठ जाती है और चुड़ैल बन जाती है। तभी सामने के डिब्बे में एक बच्चा उसे देख लेता है और डर के मारे अपनी माँ से चिपक जाता है। चुड़ैल एक सोते हुए आदमी का गला और मुंह दबाकर उसे मार देती है और खाने लगती है। वो बच्चा उसे देख रहा होता है और चादर में छुपकर उसे देख रहा होता है। अगली सुबह। मीना मीना, उठो, देखो ट्रेन में किसी आदमी को मार दिया किसी ने। क्या कह रहे हो, कहाँ? मीना को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने ही ये सब किया है, पर मीना के मुंह पर खून लगा होता है। अरे ये तुम्हारे मुंह पर खून कैसे लगा है? तभी टिकट चेकर आता है और ट्रेन को रुकवा दिया जाता है और पुलिस भी आती है। किसी को पता है इसे किसने मारा? मम्मी, मैंने देखा था, एक चुड़ैल आंटी आई थी और उसने मारा है अंकल को। ए बच्चे, ये क्या कह रहे हो, यहाँ आकर बताओ सब, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुमने क्या देखा? बच्चा बहुत डरा होता है और अपनी मम्मी से चिपका होता है। अंकल, ये आंटी आई और चुड़ैल बन गई और अंकल को मार दिया। ये सुनकर कालू को गुस्सा आ जाता है। दूर खड़ी चुड़ैल भी ये सब सुन रही होती है।
ये डेढ़ फुटिया बच्चा मेरा सारा काम बिगाड़ेगा। चुप हो जा कमबख्त मारे। ये क्या कह रहे हो बेटा, ये मेरी बीवी है। अभी तो मेरी सुहाग रात भी नहीं हुई, चुड़ैल नहीं है ये। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता और वो छोटा बच्चा समझकर उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं करती और चली जाती है और ट्रेन को फिर से चला दिया जाता है। मीना, हमारा स्टेशन आने वाला है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। मीना सामने की सीट पर बैठे उस बच्चे को घूर घूर कर देख रही होती है। बच्चा डर जाता है और कालू के पीछे जाता है। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ, आंटी चुड़ैल बन गई थी और उन्होंने ही उन अंकल को मारा है, सच में। वो बच्चा कालू से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से मीना वहाँ आ जाती है। मीना की आंखें लाल होती हैं। ए लड़के, तुझे समझ नहीं आता क्यों मेरे पति को परेशान कर रहा है, जा यहाँ से। बच्चा डर कर भाग जाता है। तभी स्टेशन आता है और वो दोनों उतर जाते हैं। मीना, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। कल्लू के जाते ही मीना चुड़ैल बन जाती है और उसकी नजर ट्रेन में बैठे उसी बच्चे पर पड़ती है। उसे अकेला पाकर चुड़ैल उस बच्चे को भी मार देती है। चुड़ैल को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भागो रे भागो, चुड़ैल आ गई, अपनी जान बचा बचा कर भागो। शोर सुनकर कालू भी वहां आ जाता है। बच्चे को मारकर चुड़ैल एक दुकान के पीछे छिप जाती है और मीना के रूप में आने लगती है। कालू उसका पीछा करता है और मीना को रूप बदलते हुए देख लेता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मीना पर चुड़ैल का साया है। तभी कालू मीना के पास जाता है। मीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी चलते हैं, पर कुछ खा तो लो। ये लो खाओ तुम, मैं अभी आया। कालू घबराता हुआ स्टेशन के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है। अरे क्या कह रहे हो, तुम्हारी बीवी ने मारा है उन दोनों को, फिर तो उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उस पर चुड़ैल का साया है, मेरी बीवी की इसमें कोई गलती नहीं है, बस मेरी मदद कर दो आप। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और जाकर मीना को पकड़ लेती है। मीना चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तू मुझे पकड़ेगा, चल पकड़ के दिखा। मैंने मारा है उन दोनों को, कर ले जो करना है। चुड़ैल पुलिस वालों को भी उठाकर पटक देती है। स्टेशन पर सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर कालू छिप जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मीना के अंदर की चुड़ैल को पता चला कि मैंने इसका ये रूप देख लिया है, तो ये मुझे भी मार डालेगी और मीना को भी नुकसान पहुंचाएगी। वही कालू के साथ में एक आदमी छिपा होता है जो कालू की बातें सुन रहा होता है और बोलता है। अरे भाई, ये तुम्हारी बीवी पर चुड़ैल का साया है, तो जाओ ना, पास ही में बालाजी का मंदिर है, ले जाओ वहाँ इसे, वहाँ जाकर अच्छे खासे भूत उतर जाते हैं। क्या भाई, सही कहते हो, मैंने भी सुना है बहुत, मैं अभी जाता हूँ इसको लेकर। फिर कालू दूर से ही जानबूझकर चुड़ैल की तरफ पीट करके आवाज लगाता है, जैसे उसे कुछ पता ना हो। चुड़ैल जैसे ही कालू की आवाज सुनती है फौरन रूप बदल कर मीना बन जाती है। अरे मैं यही हूँ डार्लिंग। हाँ हाँ, चलो अब तुम्हारे लिए सरप्राइज है, आंखों पर पट्टी बांध लो, चलो। मीना के अंदर छिपी चुड़ैल मन ही मन खुश हो रही होती है। मीना के मंदिर पहुँचते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और मीना चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गई रे, ये कौन ले आया मुझे धोखेबाज। चुड़ैल पट्टी खोलती है तो वहाँ सब जगह कुछ लोग बेड़ियों से बंधे होते हैं। कोई अपनी मुंडी गोल गोल घुमा रहा होता है तो कोई अपने ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख रहा होता है। वो तड़पने लगती है। नहीं नहीं, हे बजरंग बली, मुझे माफ कर दो, मुक्ति दो, मैं मीना के शरीर को छोड़ दूंगी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। तभी एक प्रकाश होता है और चुड़ैल निकल कर जलने लगती है और मीना ठीक हो जाती है। अरे क्या हुआ, मैं यहाँ कब आई? अरे वो सब छोड़ो, कुछ नहीं, मैंने सोचा शादी के बाद हमें नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए है?